हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं चंदन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल शीट में आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम का नहीं, तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से एक प्रॉब्लम को सॉल्व लेकर आया हूँ। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अब वो प्रॉब्लम है क्या, तो चलिए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट में आएंगे और विंडोज़ आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया और इंटर किया। मेरा यहाँ पे एक्सेल ओपन हो रहा है। दोस्तों, जब तक मेरा एक्सेल ओपन हो रहा है, तब तक आप मेरे चैनल पर नए यूजर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं भी जो वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम इसको देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉई नेम, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है एम्प्लॉईज नेम, और यहाँ पे मेरे पास है DOB, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया DOB, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा एज और यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको टाइप किया। फिर से क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें रखना है मार्जिन सेंटर कर देना है। हमें इसको कुछ इस तरीके से सेंटर रखने के बाद यहाँ पर हमें बोल्ड कर देना है, तो ये हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से एडजस्ट किया। फिर से मैंने ऊपर वाले कॉलम को सेलेक्ट किया। ऊपर वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से ये पूरा एक कॉलम हो गया। तो मैं यहाँ पर अपना अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कंट्री कोड अप्लाई, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंट्री कोड अप्लाई। तो दोस्तों, जैसे कि कंट्री कोड किस में हमें अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इसका नाम रख दिया। तो मैं इसको थोड़ा से यहाँ से बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे आया होम टैब के अंदर फॉन्ट में मिलेगा हमें बोल्ड ऑप्शन, तो मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देना है एम्प्लॉई नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया यहाँ पे मैंने लिखा गणेश और यहाँ पे लिखा चंदन और यहाँ पे लिखा राकेश और यहाँ पे लिख दिया विकास। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से नेम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए संदीप। इस तरीके से इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, आना है यहाँ से फिल पे, होम टाइप के अंदर मिलेगा फॉन्ट में मिलेगा हमें यहाँ पे फिल ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे फिल ऑप्शन को लेकर के कोई भी कलर इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया येलो कलर और इसमें हम आते हैं फिर से हम फॉन्ट में आ करके इसको हम कलर दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर अप्लाई किया, फिर से पूरे को एरिया को सेलेक्ट किया और हमें मिलेगा यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन। मैंने बॉटन बॉर्डर पाया और यहाँ से मैंने आल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इतना करने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ DOB लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ 1/1/2001। फिर से मैंने यहाँ पे टाइप किया 2/4/2004। फिर से मैंने यहाँ पे टाइप किया 9/7/2003। फिर से मैंने इस तरीके से ऐसे हम सबका DOB टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12/8/1997। फिर से मैंने यहाँ पे टाइप किया 11/6/1999। मैंने कुछ इस तरीके से DOB टाइप किया। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारा यहाँ पे एज अभी निकालना है, दूसरा हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा नहीं है, तो अभी आगे हम इसको लिखते हैं।
दोस्तों देखिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एज है, तो मैं यहाँ पे एज अप्लाई करता हूँ। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं एज निकालने के लिए कि गणेश का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज कितना हुआ। तो मैंने यहाँ पे इक्वल किया, टाइप किया मैंने डेटेड इफ़, तो फिर से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, कामा किया, फिर से हमें निकालना आज ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, तो मैंने यहाँ पे टुडे अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से मैंने कामा किया, इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने वाई लिखा क्योंकि हमें चाहिए ही है, मैंने यहाँ पे वाई टाइप किया और कीबोर्ड से इंटर बटन हिट किया। और यहाँ पे हम जैसे ही हमारे पास इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा तो हमें यहाँ पे हमें यस कर देना है। तो यस आप जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि गणेश का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये 22 साल हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पूरे को ऐसे यहाँ से ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसमें सबका उम्र जो है जो कि है यहाँ पे निकल आए। तो मैंने यहाँ पे फिर से आया कॉन्टेक्ट नंबर पे, यहाँ से मैंने कुछ कॉन्टेक्ट नंबर अप्लाई किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 99, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 99 35 93 00 20 और यहाँ पे लिखा 87 074 23 335। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा 87 56 57 23 16। फिर से मैंने यहाँ पे टाइप किया 82 99 72 68 88। फिर से मैंने यहाँ पे टाइप किया 99 35 92 20 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 80। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर अप्लाई किया। लेकिन दोस्तों अभी ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो +91 होता है, कि यानी हमारा इंडिया को कोड होता है, तो उसको हमें इस पूरे सीट पे हमें अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ से नंबर पे, नंबर पे आने के बाद यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे। तो नंबर पे हमें यहाँ पर आप आएंगे कुछ इस तरीके से, आपके पास नंबर का ऑप्शन ओपन होगा, तो आपको मिलेगा इसमें से एक कस्टम ऑप्शन, आपको इस कस्टम ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको जनरल पे आना है। जनरल पे आने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस इसको हटाना है, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, यानी डबल कोटेशन को लगाना है, फिर से यहाँ पे करना है 91 और फिर यहाँ पे देना है आपको, सॉरी यहाँ पे देना है पहले +91 माइनस, फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और हैज यानी हमारा नंबर लगाना है। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास इस तरीके से अगर ऑप्शन आए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह एडजस्ट कर लेना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में सभी जगह +91 करके आ गया, जो कि हमारे पास ये होता है कंट्री कोड। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर में यहाँ पे हम +91 जोड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब हम चलते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय।